राज्य सरकार द्वारा शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से नगर विकास न्यास व RUIDP के माध्यम से शहर सिवरेज लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान प्लानिंग में शहर के आसपास बनी कई कॉलोनी व बस्तियों को नहीं जोड़ने के कारण शहर का 30% हिस्से में सेफ्टी टैंकों का पानी नालियों में छोड़ा जाएगा। RUIDP के अधीक्षण अभियंता राकेश गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रथम फेज में शहर का कुछ हिस्सा जिसमें सिवरेज लाइन डाली गई है वह दूसरी फेज में नगर विकास न्यास व RUIDP के माध्यम से सिवरेज लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है जो आगामी कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी शहर के चारों ओर बसी कॉलोनियों का 30% हिस्सा बिना सिवरेज लाइन का रहेगा जहाँ पर आगामी प्लानिंग में सिवरेज लाइन डाली जाएगी। राकेश गर्ग ने बताया कि काला तालाब का SDP फिल्टर प्लांट चालू हो चुका है, जल्द ही शहर के दूसरे हिस्सों में भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें क्या पहले कुछ तो काम पहले कोटा में RUIDP के फर्स्ट फेज में भी काम हुआ है, कुछ UIT ने किया, कुछ हम कर रहे हैं, कोई लगभग 70% कवरेज हो जाएगा है ना, लगभग 30% के करीब और भी बाकी रहेगा कवरेज जो आगामी चरणों में आगामी परियोजनाओं में होगा। शहर के चारों तरफ है बाकी का इलाका जो बचा हुआ है, जो भी एबिटेशन है वो इलाका जो इसमें बाकी रह जाएगा वो आगे कवर होगा। जो इस परियोजना में हमारे निर्धारित था वो एक क्षेत्र हमने इसमें लिए हैं। लगभग कितना परसेंट आप ले रहे हैं इसमें भी? ये हमारा से करीब 42% के करीब कवरेज हो जाएगा इससे।